अभी तो नहीं थी। लगता है इस दीवान सेठ की पहली बीवी है राधा देवी। हाँ। क्या रूप दमकता है इस उम्र में भी राधा देवी का। सत्यवान सेठ की तो पसंद की दाद देनी पड़ेगी भाई। लगातार बोलते हो इस पक्की उम्र में तुम्हें अय्याशी की सूझी है। अरे बस करो, पहली फिर दूसरी अब चौथी बीवी ले आए। घर बीवियों से भरना है क्या, शर्म नहीं आती तुम्हें? बहुत हुआ। अरे मेरे सभी दुखों का अंत इस जहर में है। यही थाने पर जहर पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तुमने मेरा जीवन नर्क बना दिया है, इस जीने से तो मरना अच्छा। ऐसा न करना राधा देवी, जहर मत पीना। नंगे हाथ में जहर क्या लबड़ा चल रहा है? एक औरत के लिए उसका पति उसका सबसे बड़ी जायदाद होती है। जब पति ही मेरा नाम हुआ तो जायदाद क्या होगी? अब दी एंड समझो राधा देवी। हाँ। अभी कोई विवाह नहीं कर सकते। हाँ। विश्वास करो हमारा। कैसे विश्वास करूं? झांसा दे रहे हो तुम मुझे। आज जहर पीकर मरने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। कालंदर जहर पीना मना है, बाहर निकलो मरन। अरे तू मुझे बाहर निकालेगा नाश पीटे? मैं तो खुद ही इस दुनिया से जा रही हूँ। और तुम करते रहना जितने मन पड़े शादियाँ, घर घर लेना बीवियों से, तुम्हें बहुत लड़कियां मिल जाएंगी। अरे ऐसा ना कहो राधा देवी। बहुत सहलिया मैंने, अब और सहने का सामर्थ्य नहीं है। जा रही हूँ मैं इस दुनिया से, अलविदा। अरे सेठ, ये तुमने क्या कर लिया? सेठ खाने में आत्महत्या, आप खाने में तलक तलक लग गया। बोलो कि क्या रिपोर्ट लिखूं? ये क्या हो गया? परवाना तो हमें सत्यवान से इतना मिला था और मर गई राधा देवी। बहुत मजा आ गई। मौत मौत का मुकरर वक्त तब नहीं सकता। अब समझ में आया तुम बोलो असली यमदूत हो? यमदूत भाई मेरे प्राण मत लेना, मैं मरना नहीं चाहता। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी बीमार रहती है, मेरे तो नौकरी की कच्ची, मैं अनाथ हूँ। मुझे तो डर लग रहा था प्राण हरने से चूके, लेकिन ये फिर बेहोश हो गया। लेकिन ये राधा देवी, अरे राधा देवी को मारो बोली, हमें तो सत्यवान सेठ के प्राण हरने हैं। लेकिन राधा देवी के प्राण गए कहाँ? यहाँ तो कोई और यमदूत दिखाई नहीं दे रहा और महाराज भी अभी नहीं आए। लो महाराज भी आ गए। ये धरती पर कौन पड़ा है? ये तो राधा दीदी है। दीदी वो क्यों नहीं? और ये कौन धरती पर पड़ा है जैसे सारी जगह इसी की हो? प्रार्थना क्या हुआ है आपको? बोलते क्यों नहीं? अरे लगता है इनको दिल का दौरा पड़ा है। अरे भैया जल्दी से आओ, डॉक्टर को बुला के लाओ। क्या हो गया आपको? अरे देवी, अब डॉक्टर को बुलाने से कोई फायदा नहीं, इनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हम लोग यमदूत हैं, सत्यवान का प्राण हरने के लिए हम यमलोक से आए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी कुछ ही दिन पहले तो हमारा इनसे विवाह हुआ था, हम इतनी जल्दी विधवा कैसे हो सकते हैं? लेकिन भद्रे, मौत का मुकर्रर वक्त नहीं चल सकता। वैसे भी तुम्हारे पति ने भरपूर जीवन जी लिया है। लोग इस महंगाई में एक शादी नहीं कर पाते, लेकिन इन्होंने तो चार चार शादियों का आनंद लिया है। नहीं नहीं, ऐसा गायना करिए, अभी प्राण मेरे पति के शरीर में ही रहने दीजिए। असंभव सुंदरी, असंभव है ऐसा कर पाना। नहीं, इनकी जिंदगी लौटा दीजिए प्लीज। सुंदरी, जो आया है सो जाएगा एक दिन, पर इनके प्राण लौटाना होगा अभी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जल्दी छुटकारा मिला जा रहा है। सुंदरी, तुम्हारी उम्र को देखकर ऐसा नहीं लगता कि विवाह तुम्हारी मर्जी से हुआ है, क्योंकि तुम्हारी और सत्यवान की उम्र में तो भारी अंतर है। जो भी हो, मैं इनके प्राण अभी नहीं ले जाने दूंगी। तुम्हें सब की बातों पर साय रखो, तब तक महाराज भी आ जाएंगे। बताओ सुंदरी, तुम्हारे इस विभिन्न विवाह का कारण क्या है? धन की
मम्मी, और क्या, हम चार बहने हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, सब पढ़े लिखे हैं, पर एक टीचर पिता के लिए योग्य वर और दहेज एकत्रित करना टेढ़ी खीर है। अरे इसीलिए तुम्हारे पिता ने इस बुढ़े के गले मर दिया तुमको। भाई वाह, मास्टरों की अपने पुत्रियों की शादी करवाने की ये अद्भुत शैली है। हमेशा वो अपनी पुत्रियों के लिए परिपक्व वर ढूंढते हैं। जो भी हो, यही हमारे पति हैं, बूढ़े हो या जवान। ठीक कहा देवी। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। अरे देवी, तुम ये क्या कर रही हो? हम तो चाकर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। तो कौन छोड़ दे सकता है फिर? यमराज महाराज, मृत्यु के देवता। और हाँ, वो चाहे तो इस मामले में कुछ छूट आपको दे सकते हैं। हाँ, एक मामले में उन्होंने छूट दी थी। हाँ, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनके खिलाफ जांच बिठा दिया था। महाराज को शंका थी ये काम के पीछे जरूर चित्रगुप्त का हाथ है। लो लो, महाराज भी आ गए, अब चिंता की बात नहीं। महाराज की जय हो। तो यही है वो थाना। थाने कैसे दिखते हैं? तो भ्रम हो जाता है। खुले चले आ रहे हो ससुराले के आप? अरे ये कौन है जो अभी अभी कदम उठाए इधर आए हैं? यही यमराज महाराज है। लो कर लो इनसे प्रार्थना। और दुर्लभना महाराज की कमजोरी है। बूढ़ा अगर सलीके से आगे बात कहोगी तो हो सकता है आपकी बात मान ले। महाराज, अरे ये दोनों कौन है जो धरती पर इस तरह से पड़े हुए हैं? महाराज, ये सत्यवान सिंह की पहली पत्नी राधा देवी है। इन्होंने जहर पी लिया है और सुनते हैं कि मर गई है। सुनते हैं कि मर गई? ये क्या बात हुई? महाराज, राधा देवी का जीव लेने का परवाना हमें नहीं मिला है। तो फिर इनकी मृत्यु नहीं हुई होगी? महाराज, काफी देर से यही मरी पड़ी है। रोगी रोगी महाराज पर रोगी है। इसे मूर्ख क्या क्या हुआ? वैसा खाने की पायल चटकी है जरा मेरे नौकरी चले जाएगी मारा तो नौकरी है। आओ पांच दो कहीं जाते हो? कोई लॉग मार नहीं है क्या? ठीक है महाराज, मैं मेरे पति के प्राण हटा दीजिए महाराज। तुम कौन हो सुंदरी? महाराज, ये सत्यवान की पत्नी सावित्री है और ये सत्यवान है। हमें इन्हीं का परवाना मिला था इनका प्राण भरने के लिए। हम ये लोक से आए थे महाराज। मूर्ख, यह प्रश्न हमने तुमसे नहीं पूछा। हाँ तो सुंदरी, तुम क्या कह रही थी? इनके प्राण हटा दीजिए प्लीज। प्राण हटाना ब्रह्मा जी के अधीन है देवी, यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हम विवश हैं। पर आप किसी के प्राण हटाने में कुछ विलंब तो कर सकते होंगे ना? विलंब करने से तो प्राणी की आयु बढ़ जाती है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? केवल आयु के मामले में ऐसी शक्ति क्यों? क्या दूसरे मामलों में विलंब नहीं होता? हम तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझे देवी। किसी व्यक्ति द्वारा की गई प्रार्थना और उसके फल की प्राप्ति में कितनी देरी होती है आप जानते हैं ना महाराज? देवी, जब फल देने में प्रभु विलंब करते हैं तो आपको शरीर से प्राण निकालने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? यह ईश्वरीय विधान है देवी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पाप पुण्य की बातें मैं नहीं जानती महाराज। हाँ, पर इतना जरूर जानती हूँ कि हर विभाग में देरी से काम होता है, योजनाएं समय पर पूरी नहीं होती, खिंचता रहता है सब काम। और अगर ऐसे में कोई व्यक्ति हफ्ता दो हफ्ता अपनी आयु से अधिक जी मिलेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हमारा विभाग थोड़ा हटके है देवी, यहाँ के नियम कठोर है और वो बदले नहीं जा सकते। क्या खा कठोर है यहाँ के नियम? टाइम खत्म हो जाता है, अपनी उस भूल पर पछता रहा हूँ। एक बार ही सत्यवान के प्राण उठाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी और वो वैसे भी सत्युग का समय था। कलयुग में ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। नहीं महाराज, हरगिज मत करना महाराज। दीदी प्रार्थना करती हूँ, चुप रहिए। अरे नहीं, तुमने जय दिया, तुम मरे दी, अब कैसे बोल रहे महाराज? तुम आपका युवा काल
हम देवों की आयु बढ़ती नहीं है देवी, हम आज भी उतने ही तेजस्वी हैं। अच्छा, मगर आज भी उतने ही। हेलो सुंदरी, आज हम कोई वरदान देकर फंसने वाले नहीं। आज फंसे हैं महाराज, निकली आ रही है सारी। आ रही है सारी महाराज, तो फिर मुझे नहीं चाहिए आपसे कोई वरदान। मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मेरे पति के प्राण हटाने में थोड़ा विलंब कर दीजिए महाराज। इस पृथ्वी लोक पर जो कुछ होता है वो ईश्वर के विधान के अनुसार होता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। महाराज शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, उसी विधान के अंतर्गत मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ अभाव की गीली लकड़ियाँ दिन भर सुलगती रहती थी। कभी नहीं जाना अच्छा खाना अच्छा पहनना होता क्या है। पिता ने केवल पढ़ा लिखा दिया, पर जहाँ अभाव हो वहाँ ना ही ज्ञान ना शिक्षा और ना ही सौंदर्य का कोई महत्व होता है। अभिशाप की गाली घटा छाई रहती है महाराज। महाराज क्या आप जानते हैं एक मिडिल क्लास परिवार में कन्या का जन्म किस रूप में लिया जाता है? हम इस पितृलोक के बारे में ज्यादा नहीं जानते देवी। एक अभिशाप की तरह होता है उसका जन्म, माँ बाप के लिए असहाय बोझ की तरह होती है कन्या। अगर भ्रूण परीक्षण में पता चल जाए कि कोख में कन्या बल नहीं है तो उसे वहीं नष्ट कर देते हैं। पर नारी तो प्रभु की अद्भुत कृति है देवी, ऐसा कैसे कर सकते हैं लोग? किसी मनोहारी कृति को महाराज दहेज की डोरी जिंदा जला डालते हैं। क्या इतने दूर है पृथ्वी के वासी? महाराज क्या आपके घर में कोई कन्या है? नहीं तो, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तभी महाराज तभी, आप किसी कन्या के पिता होने की मजबूरी को नहीं समझ सकते। वे कैसे अपने पुत्रियों का पालन करते हैं आप कभी नहीं जान पाएंगे प्रभु। पुत्रियों की शादी की चिंता में कैसे तिल तिल कर अपने आप को मारते हैं आप नहीं जान पाएंगे। मृत्यु लोग के सभी प्राणी अपने कर्मों का फल भुगतते हैं देवी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें विवश ना करो। आप ठीक ही कह रहे हैं महाराज, पर महाराज मैं क्या करूं? मेरे पिता ने यह समझकर इनसे मेरा विवाह कर दिया कि यह धनवान है। उन्होंने सोचा पुत्री को पति का सुख ना मिले पर धनी और संपन्न घर में वे खुश तो रहेगी। पर आपके विवाह को मेरी थोड़ी सी खुशी भी महसूस ना हुई और आपने मेरा पति ही मुझसे छीन लिया महाराज। छीन लिया? इनके प्राण शरीर से निकल चुके हैं, आप वो लौटाए नहीं जा सकते। यह ईश्वर का विधान है, इसमें बाधा ना बनो। नहीं महाराज, आप धनराज हैं, पाप पुण्य का लेखा जोखा आप ही करते हैं। आप ही बताइए मैं किसके सहारे अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत करूं। एक काम करिए, आप अपने यहूदों से कह के मेरे प्राण भी ले लीजिए और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। हम तुम्हारे प्राण कैसे रह सकते हैं, अभी तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं हुआ। नियमानुसार नहीं ले सकते, विधान ऐसा नहीं कहता। तब तुम आपके पीछे पीछे चलो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं महाराज, नहीं। देवी, आप इस प्रॉब्लम का सलूशन दीजिए। ईश्वर के विधान की बाधा मत बनो। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज प्लीज मेरे पति के प्राण हटा दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता देवी, इनके प्राण निकल चुके हैं और एक बार जो जान जा चुकी उसे वापस लाना किसी के अधिकार में नहीं है। मैं आपसे कह चुकी हूँ मैं आपसे वर नहीं करूंगी। महाराज क्या आप हमें कोई शॉर्ट टाइम वर्क दे सकते हैं? शॉर्ट टाइम वर्क? हाँ महाराज, इससे आप ही नहीं फंसेंगे और मेरा काम भी बच जाएगा। ये तुम्हारा शॉर्ट टाइम वर्क क्या है? महाराज मेरे पति के प्राण केवल दो दिन के लिए लौटा दीजिए, ओनली टू डेज। केवल दो दिन के लिए? अखंड सौभाग्यवती का वरदान ना मांगकर तुम दो दिन के लिए अपने पति के प्राण वापस मांग रही हो सुंदरी? आश्चर्य है देवी, इन दो दिनों में तुम क्या कर लोगी? अरे त्रिया चरित्र दिखाएगी महाराज। महाराज, इन दो दिनों में बहुत कुछ कर लूंगी। इन दो दिनों में मैं अपने पति की बची हुई जायदाद अपने नाम करा लूंगी। अरे मैं मर गई क्या? अपने नाम करा लेगी? सर्वोत्तम, उत्तम, सर्वोत्तम। प्लीज महाराज इतना विलंब स्वीकार कर लीजिए, इतना विलंब तो क्षम में है प्रभु। इसमें कोई बेजा बात भी नहीं महाराज। हाँ महाराज, इतनी देरी तो चल जाएगी। चुप, इस पर गला खाओगे ससुरे, तुम भी इसके पक्ष में बोलने लगे। प्लीज महाराज, इससे मेरे जीवन को समाधान मिल जाएगा। थोड़ा सा विलंब कोई अनर्थ भी नहीं करेगा और मेरे जीवन को अर्थ भी मिल जाएगा। हमें तनिक सोचने देवी, इसमें कोई संदेह नहीं, तुम वाकई बहुत चतुर हो। इसमें सोचना क्या महाराज, मान भी जाइए। महाराज ये 2012 की सावित्री है, इसकी बात मान। प्लीज महाराज।
2012 खूब कहा, हर युग की अपनी सावित्री है और फिर यमराज को तो वरदान देना ही है, तो फिर मैं तुम्हें भी वरदान दूं देवी, तुम जीती और मैं हारा। जाओ तुम्हारे पति के प्राण 2 दिन के लिए वापस किए और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने कार्य में सफल हो। थैंक यू। अरे क्या करती हो देवी, मैं छुओ महाराज की, महाराज पुराने खिलाड़ियों की है, थैंक यू नहीं समझते। तुम मुझे गवार समझते हो।